नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जरीन पटेल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्रिक्स ऑफ फर्स्ट। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमएक्स प्लेयर के सेटिंग्स के बारे में। हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा एक नई सेटिंग्स जो आप देख के चौंक जाओगे। हाँ दोस्तों, और आपको बड़ा मज़ा आएगा इस सेटिंग्स देखने के बाद। आप इंजॉय करेंगे इस सेटिंग को और आपको यहाँ पे कुछ और कुछ नया जानने को मिलेगा। ये सब कुछ आपको करना है अपने मोबाइल के अंदर। तो आपको पहले स्टेप बाय स्टेप को वीडियो को देखना है और फिर आपको अपने फ़ोन के अंदर सेटिंग्स में करना है एमएक्स प्लेयर की सेटिंग्स के अंदर। तो दोस्तों कैसे करेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे। तो समय निकालते वीडियो स्टार्ट करते। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी रेस में आपके डाटे हूँ। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते। तो दोस्तों हमें यहाँ पे एमएक्स प्लेयर को ओपन करना है। उससे पहले हमें एमएक्स प्लेयर को यहाँ पे अपडेट कर लेना है। तो हम लोग यहाँ पे सीधे एमएक्स प्लेयर को ओपन करेंगे और एमएक्स प्लेयर में कोई भी एक वीडियो को चलाएंगे। तो दोस्तों ऐसा होता है कि आप कहीं पे पब्लिक प्लेस में कोई वीडियो देखते हो और वहाँ पे आपको वॉइस जो सुनना चाहते हैं, कोई वीडियो का वॉइस वो आपको नहीं सुनना, उसकी जगह पे और कोई वीडियो का वॉइस सुनना है, कोई और म्यूज़िक सुनाना चलाना चाहते हैं तो वो भी चला सकते हैं। तो कैसे चलेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आपको यहाँ पर कोई भी वीडियो को प्ले करके मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी वीडियो क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कुछ इसकी आवाज़ इस तरह से आ रही है, तो मुझे यहाँ पर इस वॉइस को चेंज कर देना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पे म्यूज़िक वाला ऑप्शन है, यहाँ पे जो थ्री डॉट बने हैं वहाँ पे, उसके बाजू में जो म्यूज़िक का सिंबल है वहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो थ्री डॉट बने वहाँ पे क्लिक करके ऑडियो में चले जाऊँगा। तो ऑडियो पे क्लिक करते ही मुझे यहाँ पे ओपन करके एक ऑप्शन आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इक्विलाइजर के नीचे ऑडियो ट्रैक और ओपन, तो ओपन पे क्लिक करना है और मुझे यहाँ पे जो मेरी गैलरी है यानी मेरी फ़ोन मेमोरी है वहाँ पर जहाँ पर भी मेरे जो एम पी थ्री सॉन्ग रखे उसके ऊपर मैं चले जाऊँगा और मैं यहाँ से कोई भी एक एम पी थ्री सॉन्ग्स यहाँ से चूज़ कर लूँगा। जैसे मैं यहाँ पे एम पी थ्री सॉन्ग्स पे क्लिक कर लूँगा और यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से प्ले कर दूँगा। और दोस्तों मुझे वापस इसकी ओरिजिनल वॉइस लानी है, तो वापस यहाँ पे जो सिंबल है म्यूज़िक वाला वहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से ऑडियो ट्रैक सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे प्ले करके आपको यहाँ पे ओरिजिनल उसकी वॉइस चला के दिखाऊँगा। तो दोस्तों इसकी वॉइस ओरिजिनल ये है और आप उसकी ऑडियो चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। जो मैंने आपको सेटिंग्स बताए, आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑडियो में जाके यहाँ पे ओपन में चले जाना है और यहाँ से आपका म्यूज़िक चूज़ कर लेना है। तो वैसे ही आप समझ गई होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ और क्या बताना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी जो वीडियो की ऑडियो चेंज कर सकते हो और म्यूज़िक का एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो में आपके लाते हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट वापस मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।